चल चल उतार सबको उतार आराम से धीरे धीरे चलो रोको रोको हाँ उतारे भाई उतर उतर ये मैडम उतरने का अभी उतरने का चलो मैडम उतरने का अभी चलो हाँ उतरने का हाँ हाँ इधर से जाओ खेच भाई खेच है ना अरे खेच ना यार नीचे खेच हाँ भाई उतरने का रोको ओ भाई उतरने का ओ भाई ए! ये तो मर गई अच्छा जरा ध्यान से देखो यस सर गला घोट कर मारा है ये देखिए उंगलियों के निशान ये पर्स देखो शायद पता चलेगा ये लड़की कौन है मैं इंचार्ज कौन है ये झूला कौन चलाता है मैं चलाता हूँ साहब इस लड़की के साथ कोई और था एक आदमी था साहब क्या रे एक आदमी था ना रे एक आदमी था साहब कहाँ गया वो नहीं जब झूला रुका तब ये अंदर अकेली थी क्या दिमाग खराब हो गया है आदमी था ना इसके साथ हाँ ऊपर हवा में गायब हो गया क्या ऐसे कैसे तुम्हारी आंखों के सामने से वो गायब हो गया हाँ नहीं साहब अच्छा दिखता कैसे था चेहरा तो याद नहीं है साहब लेकिन हाँ उसने हल्के पीले रंग की कमीज और नीले रंग का पैंट पहना था उसके हाथ में एक बैग था ना रे एक बैग भी था साहब सब कुछ याद है मगर चेहरा याद नहीं सर और सर ये देखिए ये इंटरसिटी एयरलाइंस का एक पाउच निकला है ये पाउच ये तो प्लेन में सफर करने वालों को दी जाता है सर हो सकता है ये लड़की इंटरसिटी के एयरक्राफ्ट में बैठी हो शायद दया जाके इंटरसिटी एयरलाइंस के ऑफिस में देखो एयरपोर्ट के पास में ही ऑफिस है Yes, sir. Sir. हाँ. Sir, एक बैग मिला है वहां पर अच्छा चलो वहां पर सर वहां उस तरफ वहां सर ये देखिए सर यहाँ पड़ा हुआ है बैग दिखो इसमें कपड़े हैं सर पीली शर्ट और नीली जींस ऐसे ही कपड़े तो खूनी ने पहने हुए थे शायद ये उसी के हो पॉकेट में तो कुछ नहीं है सर अच्छा लेकिन कपड़े बिल्कुल नए लगते हैं सर लगता है आज ही खरीदे हुए आज के ऐसा लग रहा है अभी खरीदे हुए सर ये पता लगाना मुश्किल होगा कि ये कपड़े कहाँ से खरीदे होंगे और सर एक आदमी इतने लोगों के बीच जाके खून करता है यहाँ पे आके कपड़े बदलता है और यहाँ से निकल जाता है और किसी ने कुछ नहीं देखा ना खून होते हुए ना खूनी को एक चीज़ और है दया कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि उस आदमी को इतने सारे लोगों के बीच खून करने की ज़रूरत पड़ गई सर यहाँ एयरपोर्ट पर जो ऑफिस है इंटरसिटी एयरलाइंस का वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो लोग उनके फ्लाइट्स में बैठे हैं उनके नामों की लिस्ट उनके मेन ऑफिस से ही मिल सकती है जी सर नहीं सर यहाँ पर नहीं है हाँ सर मेन ऑफिस का एड्रेस है यूनिकॉर्न एस्टेट नवजीवन मार्ग वर्ली लो आ गए इंटरसिटी एयरलाइंस के मेन ऑफिस में अब इतनी रात हो गई कोई होगा क्या ऑफिस में तीन चार मोटरसाइकिलें तो खड़ी हैं और ये लिखा भी हुआ है पार्किंग इंटरसिटी एयरलाइंस वॉचमैन वॉचमैन इधर आओ जी आया इधर आओ ये इंटरसिटी एयरलाइंस का ऑफिस कौन से माले पर है चौथे माले पर क्यों टिकट विकेट चाहिए क्या नहीं ऑफिस खुला है क्या हाँ तीन चार लोग तो होंगे देख लीजिए आप लोग
बड़ा बुरा वक्त आ गया बॉस। क्यों? कल की आधी फ्लाइट्स खाली हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? चार पांच लोग तो है। कौन है आप लोग? देखिए इतनी रात को कोई टिकट विकेट नहीं मिलेगा। हमें कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए, हम CID से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस लड़की के बारे में। ये तो मरी हुई है। जी हाँ, ये लड़की आपकी किसी फ्लाइट में बैठी थी। आपको कैसे मालूम? आपको कोई टिकट मिला है इसके पास? नहीं, कोई टिकट वगैरह नहीं मिला है, हमें ये मिला है फ्रेशनर। ये आपकी एयरलाइंस का है ना? जी हाँ, मगर इससे कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, लेकिन आपकी किसी एयर होस्टेस ने इसे देखा होगा जिसके साथ ये फ्लाई कर रही होगी। जी हाँ देखा होगा, मगर इतनी सारी एयर होस्टेस को कहाँ से बुलाएंगे रात को? कोई दिल्ली में होगी, कोई चेन्नई में। क्या हुआ? मैम ये लोग CID से हैं, इस लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। सिस डेड, हमारी किसी फ्लाइट में बैठी थी। कार्तिका, ओह माय गॉड, ये तो आ जाई थी यहाँ। कार्तिका? जी हाँ, मगर इनकी मौत कैसे हुई? किसी ने इनका खून कर दिया है। ओह माय गॉड, ये तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, एयर होस्टेस का इंटरव्यू। कहाँ से आई थी ये? जी गोवा से आई थी। हमने सभी लड़कियों को आने जाने का टिकट भेजा था और होटल में ठहरने का इंतज़ाम किया था, लेकिन कार्तिका होटल में रुकने वाली नहीं थी। उसने मुझसे कहा था कि वो आज ही गोवा वापस चली जाएगी। उसकी इंटरव्यू 6 बजे के आसपास हुई थी। 2-3 दिन में रिजल्ट का पता चल जाएगा, पर मुझे लगता है कि ये जॉब आपको करीब करीब मिल ही गया है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप 1-2 दिन मुंबई में रुकने वाली हैं या फिर आज ही गोवा वापस जा रही हैं? पहले तो प्लान यही था कि इंटरव्यू खत्म होते ही वापस चली जाऊँ। क्यों, मुंबई आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, तो सोच रही थी रुक कर क्या करूँगी, मगर बाई चांस एक दोस्त मिल गया तो अब उससे मिल के रात की फ़्लाइट से वापस जाऊँगी। ओके, रात की 9 बजे की फ़्लाइट है। आई होप एज ए पैसेंजर आपकी ये आखिरी फ़्लाइट हो। अगली बार आप हमारे साथ हमारी एयरलाइंस में एज एन एयर होस्टेस उड़ेंगी। थैंक यू मिस पल्लवी, गुड बाय। गुड बाय। बहुत अच्छी लड़की थी। इंटरव्यू कितने बजे खत्म हुआ था? करीब 6:30 बजे के आसपास। और 7:30 बजे तक किसी ने कार्तिका का खून कर दिया। इस इंटरव्यू में और भी लड़कियां आई होंगी ना? क्यों? जी हाँ, काफी लड़कियां आई थी। गोवा से सिर्फ कार्तिका ही थी? जी, गोवा से एक और लड़की आई थी, रेचल। वो अभी है मुंबई में? पता नहीं। इसका गोवा का पता तो होगा आपके पास? जी हाँ। वो पता हमें दीजिए। आशा सर, तुम अभी निकलो और गोवा फोन करो, कहीं से भी इस रेचल को ढूंढ के लाओ। यस सर। आप हमें कार्तिका का भी पता दीजिए। जी अच्छा। हमें उसके माँ बाप को बुलाना होगा। मेरी बेटी तो इंटरव्यू के लिए आई थी, वो मर कैसे सकती है? आप किसी और की लाश को मेरी बेटी समझ रहे हैं, वो मेरी कार्तिका नहीं है। हाँ साहब, तो वहां उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटी अच्छी खबर देगी, लेकिन यहाँ आपने उसके मौत की खबर भेज दी। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी किसी को अच्छी खबर भी भेजी होगी। पुलिस से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? किसी औलाद की मौत की खबर उसके माँ बाप को देना सबसे मुश्किल काम है। बेटी के बिना कैसे रह सकूंगी, कैसे जीऊंगी मैं उसके बिना? मुझे उससे एक बार मिला दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाश को लाने ही वाले, ये लोग लाश को देखेंगे तो न जाने क्या होगा। प्लीज देखिए, आपको लाश की पहचान करनी पड़ेगी। नहीं देखना चेहरा। प्लीज आइए, प्लीज। कार्तिका, कार्तिका मेरी बेटी, किसने किया ये सब? कार्तिका, किसने किया ये सब? कार्तिका, ये तो यार किसी को जानती तक नहीं थी, फिर किसने मार दिया इसे? कार्तिका, कार्तिका, कार्तिका,
देखिए संभालिए अपने आप को। इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी, चाहे कोई रोए या मरे। प्लीज क्या आप दो मिनट के लिए हमारे साथ बात कर सकते हैं? प्लीज। और भी गाली देंगे ये लोग। कार्तिका को आप कब से जानती हैं? वो मेरे बचपन की सहेली थी। कार्तिका के माँ बाप ने हमें बताया कि वो यहाँ किसी को जानती नहीं थी, लेकिन हमें पता चला कि वो यहाँ किसी से मिली थी, शायद कोई आदमी था। क्या इस बारे में आप कुछ बता सकती हैं? कार्तिका मुंबई में किसी को नहीं जानती थी। कोई तो था जिसे वो जानती थी, है ना? हाँ, वो उसके साथ एग्जीबिशन में गई थी जहाँ उसका खून हुआ। कार्तिका मुंबई पहली बार आई थी, फिर उसकी किसी के साथ जान पहचान कैसे हो सकती है? कभी कभी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, संबंध गहरे होते देर नहीं लगती। कार्तिका ऐसी लड़की नहीं थी, वो जल्दी किसी से घुल मिल नहीं सकती थी। तो गोवा में भी उसका कोई दोस्त नहीं था? वो गोवा में वो नरेंद्र लाल नाम के आदमी से प्यार करती थी। ये वहीं रहता है गोवा में? नहीं, शायद दिल्ली में रहता है। वहां एक कंपनी है अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल, उसमें काम करता है। तो फिर कार्तिका और नरेंद्र की मुलाकात कैसे हो गई? नरेंद्र अक्सर काम के सिलसिले में गोवा आता रहता था। आप कभी मिली नरेंद्र से? नहीं, कभी नहीं। तो फिर उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती हैं आप? कार्तिका ने मुझे बताया था। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि आखिरी बार कार्तिका नरेंद्र से कब मिली थी? पिछले महीने 1-7 तारीख तक नरेंद्र गोवा में ही था। कार्तिका हर समय उसके साथ थी, वो मुझसे भी नहीं मिली। पिछले महीने 1-7 तारीख तक। क्या नाम बताया कंपनी का? अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल। अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल्स। दया, देखो अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल्स की कोई ब्रांच है क्या मुंबई में? और अगर है तो वहां नरेंद्र लाल की इंक्वायरी करो। यस सर। नरेंद्र 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 नरेंद्र। अरे जल्दी ढूंढ यार जल्दी, बाहर सीआईडी अफसर मेरे सिर पे डंडा लगे खड़ा है। अरे ढूंढ रहा हूँ यार, ढूंढ रहा हूँ। नरेंद्र 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 कुमार नरेंद्र। अरे यार नरेंद्र कुमार नहीं, नरेंद्र लाल ढूंढ। ओ नरेंद्र लाल, नरेंद्र। क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है? ढूंढ रहा साहब। ढूंढ रहा है? तुम्हें अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बारे में नहीं पता? ये नरेंद्र लाल तुम्हारे दिल्ली ब्रांच में काम करता है। देखो दिल्ली ब्रांच। हाँ, तुम एक काम करो, तुम अपना दिल्ली ब्रांच का फोन नंबर दो, मैं खुद ही पता कर लूंगा। पर साहब दिल्ली ब्रांच का कोई नंबर ही नहीं है। क्यों, वहाँ टेलीफोन नहीं है क्या? सर हमारी दिल्ली में कोई ब्रांच ही नहीं है, तो वहां का नंबर कहां से आएगा? इसका मतलब ये नरेंद्र लाल जो भी है उसने कार्तिका से झूठ बोला कि वो दिल्ली में काम करता है। मगर सर अगर ये दिल्ली में नहीं रहता है तो फिर कहां का होगा, और ये गोवा बार बार क्या करने जाता था? सो हो सकता है नरेंद्र लाल मुंबई में रहता हो, जिस कंपनी के बारे में उसने कार्तिका को बताया वो तो मुंबई में है। सर, सर एजेंट मिल गई है, आइए। यही है, यही कार्तिका के साथ गोवा से आई थी। क्या हुआ सर, यहाँ क्यों लाया गया मुझे? ये तो कुछ बता नहीं रही है। नहीं है, कुछ खास बात नहीं है, हम आपसे कार्तिका के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। क्या कल इंटरव्यू में कार्तिका आपके साथ थी? नहीं, कार्तिका इंटरव्यू से पहले साथ थे मेरे। अच्छा, इंटरव्यू के बाद में कार्तिका आपको मिली थी? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू तो पहले खत्म हो गया था, उसके बाद मैं अपनी बहन के घर चली गई थी जो यहीं रहती है मुंबई में। लेकिन सर क्या हुआ कार्तिका को? जी वो कार्तिका की मौत हो गई है। रेचल, रेचल, रेचल। अच्छा। ओह माय गॉड। पानी। रेचल। 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 आर यू ओके? आर यू ओके? Are you all right? Yes, sir. ठीक हो? I'm sorry. It's absolutely all right. क्या आप कार्तिका को गोवा से ही जानती हैं? नहीं, हम दोनों एक ही प्लेन में आए थे गोवा से, बस
जान पहचान हो गई। सर ये दोनों ठहरे भी एक ही होटल में थे? जी हाँ, हम लोग ऑफिस भी इंटरव्यू के लिए एक साथ ही आए थे। सर आप जल्दी आ गए थे। कितना हुआ? अभी सिर्फ 5 बजे हैं और तेरे इंटरव्यू के लिए पूरा 1 घंटा बाकी है, तो क्या करेगा 1 घंटा? अरे अगर मैं तेरे साथ नहीं आती ना आज, तो इस बिल्डिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाती। मुझे तो मुंबई के रास्ते बिल्कुल नहीं पता। अरे दिस इज मुंबई यार, पूछते पूछते पहुंच जाने का, दैट्स इट। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, मैं बहुत नर्वस हूँ उस इंटरव्यू को लेकर। और पता है जब मुझे टेंशन होती है ना तो मुझे भूख भी बहुत लगती है। मैं काम करती हूँ, मैं जाके कुछ खाए आती हूँ, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। मुझे लगा तो अपने किसी दोस्त से मिलने वाली है, इसीलिए इतनी जल्दी आ गई। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, तू कुछ खा पी ले, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, बाय। सर 5 बजे कार्तिका रेचल से कहती है कि वो शहर में किसी को नहीं जानती, और 6 बजे अपने इंटरव्यू में कहती है कि वो अपने किसी दोस्त को मिलने जा रही है। और 7:30 बजे उसका खून होता है। सर मुझे लगता है कि कार्तिका अपने जिस दोस्त से मिलने गई थी ना, उसी ने कार्तिका का खून किया है। हाँ मगर ये दोस्त हो कौन सकता है? नरेंद्र लाल सर, और कौन? उसी ने कार्तिका से झूठ कहा था ना कि वो दिल्ली में काम करता है। ये सारा चक्कर 5 और 6 बजे के बीच का है। 5 और 6 बजे के बीच में ही कार्तिका को वो दोस्त मिला है। रेचल को छोड़ने के बाद कार्तिका 1 घंटे तक अकेली थी, और उस 1 घंटे में उसे वो दोस्त मिला जिसने उसका खून किया। इसलिए हमें ये पता लगाना चाहिए कि कार्तिका उस 1 घंटे में कहां कहां गई थी। सर कार्तिका का कहना था कि उसे भूख लगी थी, तो हो सकता है कि वो ऑफिस के आसपास कहीं कुछ खाने के लिए गई हो। सुधाकर सर, उस एयरलाइंस के ऑफिस के आसपास जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और खाने के स्टॉल्स हैं, वहां जाके कार्तिका की फोटो दिखाओ और पूछो कि ये यहां आई थी क्या। ओके सर। और सर अगर कार्तिका खाना खा के वापस जल्दी आ गई होगी तो बिल्डिंग के आसपास तो उसे किसी ने देखा होगा, हमें वहीं चल के देखना चाहिए। सर चलो। जरा देखो इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो तुम? देखिए साहब, मुझे इतना तो पता है कि यहाँ एक लड़की का खून हुआ है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। जिसका खून हुआ ये वही है। ये बताओ कि परसों तुमने इस लड़की को यहाँ आते जाते देखा है? देखा होगा साहब। देखा होगा क्या क्या मतलब है, देखा है या नहीं? साहब हर रोज यहाँ इतने लोग आते जाते हैं, अब हर किसी की शक्ल में कैसे याद रखूंगा? लेकिन साहब अब मैं इस लड़की को कभी नहीं भूलूंगा। अब याद रख के क्या फायदा, चलो अंदर। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये लड़की परसों यहाँ आई थी, तुमने इसे देखा था? जी साहब, बेचारी का खून हो गया ना, बहुत अच्छी लड़की थी। तुम्हें कैसे मालूम इस लड़की का खून हुआ है? साहब पेपर में फोटो छपा है ना, परसों जब यहाँ आई थी तो बेचारी बहुत अच्छी तरह से मुझसे बात कर रही थी। इसका सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है सर। सुनो जरा, जब वो यहाँ आई थी तो उनके साथ कोई और भी था, कोई आदमी? नहीं साहब, दोनों बार उनके साथ कोई नहीं था। दोनों बार? दोनों बार मतलब वो 2 बार यहाँ आई थी? हाँ साहब, एक बार शाम को 5 बजे और दूसरी बार 6 बजे के आसपास। ये दोनों बार वहीं गई थी ना, इंटरसिटी एयरलाइंस के ऑफिस में? नहीं साहब, दोनों बार वो वहाँ नहीं गई थी। फिर? एक बार गई थी शाम को 6 बजे। और 5 बजे? 8वें माले पर, 5 बजे 8वें माले पर गई थी। 8वें माले पर? जेके कन्फेक्शनरीज? हाँ साहब, जेके वालों के गई थी। ये कार्तिका जेके कन्फेक्शनरीज के ऑफिस में क्यों गई होगी? शायद अपने खूनी से मिलने। रेचल कह रही है कि कार्तिका 5 बजे कुछ खाने के लिए गई, और वो लिफ्टमैन कह रहा है कि कार्तिका 5 बजे जेके कन्फेक्शनरीज के ऑफिस में गई। अब एक ही टाइम पे वो 2 जगह कैसे जा सकती है? लेकिन सर रेचल ने कार्तिका को बाहर जाते हुए देखा है। हो सकता है वो खाना खाने गई ना हो और बीच रास्ते से ही वापस आ गई। अगर वो यहाँ पे क्यों वापस आई? मुझे लगता है जिस आदमी ने उसका खून किया
उसे ही मिलने वो यहाँ आई होगी। मतलब कार्तिका को मारने वाला हमें यहाँ मिल सकता है? शायद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.